फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आइए आज का इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समस्या और उसके समाधान के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तब जा करके लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों, बिना किसी देरी का हम लोग देखते हैं समस्या क्या है। तो देखिए, पहला प्रश्न है 25-40 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, कोई भी किसी का कितना प्रतिशत होता है उसको आप कैसे निकालिएगा, आप कैसे करेंगे दोस्तों। तो देखिए, जैसे आपको हम बताते हैं कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, एक्स बटा वाई गुना 100 कर देना है और यहां पर प्रतिशत लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, उसी का यहां पर आप प्रयोग कीजिए। तो आप देखिए, एक्स के जगह आपका 25 है और वाई के जगह आपका 40 है, और गुना आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, और ये आपका प्रतिशत आ गया। दोस्तों, आप देखिए आपका कितना आ रहा है, ये जीरो कट गया, यानी आपको कितना हो रहा है, यहां पर भी ये 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहां 5 हो जाएगा, 25 पचे 125 हो गया और बट्टा में 2 हो गया। दोस्तों, यहां से आप 2 से आप 125 को आप डिवाइड कीजिएगा तो 6 दुनी 12 हो गया, बचा कितना 5, तो उसके बाद 2 दुनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बच रहा है 1। तो दोस्तों, इतना प्रतिशत को हम लोग लिख सकते हैं 62.1%। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों, पहला प्रश्न का ये उत्तर आ गया, 62.5% आपका, यानी 25-40 का 12.5% है। दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बोलता है, 60-80 से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों देखिए, कम यानी कम प्रतिशत मतलब क्या होता है, ये आप भी जान लीजिए, दूसरा फॉर्मूला है, कम प्रतिशत बराबर आपको लिखना है कम बट्टा लिखना है आपको क्रय मूल्य और गुना लिख देना है 100 और आप लगा दीजिएगा प्रतिशत, तो ये आपका इसका उत्तर निकल जाएगा दोस्तों, ये फॉर्मूला है। तो देखिए, आप करिए, कम कितना हो है, तो देखिए 60-80 से कितना कम है, तो 60-80 से कम कितना होगा, तो इसका आंसर देखिए आप कैसे निकालिएगा, यानी 80-60 कम हो गया बटा क्रय मूल्य कितना है, 60-80 से कितना कम है, तो यहां पर क्रय मूल्य कौन होगा दोस्तों, तो 80 होगा, ठीक है, और गुना क्या लिख दीजिएगा, 100 लिख दीजिएगा, और ये आप इसके साथ प्रतिशत लगा दीजिए, तो दोस्तों यहां पर आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और बटा 80 हो गया, और गुने में आपका 100 हो गया, और इसके साथ क्या लग जाएगा, प्रतिशत लग जाएगा। तो देखिए, ये जीरो कट गया, यहां से आप भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4, और 25 चौके कितना हो गया, 100, तो दोस्तों ये 25% हो जाएगा, यानी 60-80 से कितना प्रतिशत कम है, तो वो कितना प्रतिशत हो गया दोस्तों, तो वो 50% आपका, 25% आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। चलते हैं अगली समस्या देखते हैं। अगली समस्या देखिए क्या है, आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अमर की आय तथा मनोज की आय क्रमशः 4,000 रुपए और 6,000 रुपए प्रति माह है, मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों, इसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा, कमी का हमने देख लिया, अब वृद्धि हमको निकालना है, किसका, वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो दोस्तों, वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, ठीक है, वृद्धि हो गया बटा आपका क्या हो जाएगा, मूल मान और गुना 100 हो जाएगा दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो यहां पर वृद्धि प्रतिशत में आपका कितना आ जाएगा कि 6,000 में से 4,000 रुपया ये आ गया है ना, और बट्टा में कितना आ जाएगा, 4,000 मूलमान हो गया, और गुना में कितना हो गया, 100 हो गया, और यहां कितना लिख दीजिएगा, प्रतिशत आ गया। दोस्तों, यहां घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 2,000, नीचे है आपका 4,000, गुना में आपका हो गया 100,
और इतना प्रतिशत हो गया। देखिए ये तीन जीरो कट गया, यहां से काट दीजिए दो कट जाएगा, यहां से काट दीजिए 50 आ गया। तो दोस्तों 50% का क्या है, इसमें वृद्धि हो रहा है, यानी 4000 रुपया किसका है, मनोज का। यहाँ किसका पूछ रहा है, मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो मेन हमको किसका आय देखना है, मनोज का आय मूल आय है, तो इसलिए मूल आय में मूल मान में हमारा कौन गया, मनोज का गया। अगर यहाँ पर हम गलती करके अगर लिख देते हैं अमर का तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ मूल मान आपको समझना है, यहाँ बोल रहे हैं मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो मूल मान में हमको मनोज की आय को लेना है ना कि अमर का। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा, अगर वीडियो पसंद आ गया हो, और लाइक करना अगर भूल गए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।